हिकायत बादशाह रूम की तुमको सुनाता हूँ। खुदा के कहर की अदना झलक तुमको दिखाता हूँ। कुरान पाक एक दिन पढ़ रहा था शाहरुमा का। कुरान पाक एक दिन पढ़ रहा था शाहरुमा का। तैसो मंत शवाली पढ़ी आयात कुरानी तो उसके दिल में पैदा हो गया एक जोश शैतानी। वो अपने दिल में यूँ कहने लगा ये कैसी आयत है, खुदा के हाथ इज्जत है, खुदा के हाथ जिल्लत है। ये कुदरत मुझ में भी है जिसको चाहूँ मालो इज्जत दूँ, ये ताकत मुझ में भी है जिसको चाहूँ उसको जिल्लत दूँ। तकबुर दिल में शाहे रूम के यूँ भर गया शैतान, खुदा की जात से इनकार आखिर कर गया नादा। खुदा की जात से इनकार आखिर कर गया नादा। यूँ ही कुछ रोज जब उसने गुजारे खुद परस्ती में, तकबुर ही तकबुर भर गया जब उसकी हस्ती में। खुदा के कहर में एक जोश तबे इख्तियार आया के एक जंगल में शाहे रूम करने को शिकार आया। खुदा की शान एक खुश रंग हिरन को सामने पाया, हिरन को जिंदा पकड़ू दिल में शाहे रूम के आया। ख्याल आते ही कुछ इस तरह उसने घोड़ा दौड़ाया के छूटे सारे साथी दूर पलटी दम में यूं काया। हिरन गायब हुआ और आई सुस्ती अस्पे ताजी पर, बहुत पछताया शाहे रूम अपनी जल्दबाजी पर। अब उसके वास्ते एक और भी ताजा मुसीबत थी, जहाँ वो पहुँचा था वो दूसरे की बादशाहत थी। जहाँ वो पहुँचा था वो दूसरे की बादशाहत थी। वहाँ फैली हुई थी एक खूनी डाकू की दहशत के जो हर काफिले पे करके हमला लूटता दौलत। हुई डाकू के शक में शाहे रुमा की गिरफ्तारी, हुआ सब बेअसर उसने बहुत की नाला जारी। और उसके हाथों को काटा गया तब हुक्म शाहे से, हुआ ये हाल शाहे रूम का कहरे इलाही से। हुआ ये हाल शाहे रूम का कहरे इलाही से। रहा बरसों परेशान हाल वो तकदीर का मारा, खुदा के कहर से मुश्किल नजर आता था छुटकारा। वहाँ के बादशाह की बेटी थी सूरत में लासानी, उसे था शौक समझाए कोई तफसीर कुरानी। हुआ जब हुक्म शाही अर्ज की दीवान ने चाह, एक ऐसा आदमी इस शहर में मौजूद है आका। कटे हैं जिसके दोनों हाथ जिस पे रहम आता है, वो जब कुरान पढ़ता है तो इंसान कांप जाता है। ये सुनकर शाहे रुमा को हुआ ये हुक्म सुल्तानी, मेरी बेटी को तुम देते रहो अब दर से कुरानी। मेरी बेटी को तुम देते रहो अब दर से कुरानी। खुदा की शान एक दिन फिर वही आयत नजर आई, परेशानी में चश्मे गम शाहे रुमा के भर आई। ये हालत देखते ही शाहजादी उठे घबरा कर, और अपने बाप से ये वाकया उसने कहा जाकर।
हुआ हैरान वो भी और शाह रोमा के पास आया। कहा क्यों इस तरह तुम रो पड़े, क्या तुम पे गम गुजरा। सब फिर शाह रोमा ने बताया अपने रोने का तकबुर के सबब इस तरह से बर्बाद होने का। कहा उस बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा कर गाफिल, कहीं ऐसा न हो तेरा गजब हम पे भी हो नाजिल। ये सुना था कि शाहे रूम का दिल खौफ से कांपा, उठा फिर सच्चे दिल से तौबा की सजदे में सर रखा। उठा फिर सच्चे दिल से तौबा की सजदे में सर रखा। दुआएं उसने कि जब आजिज़ी से और मिन्नत से, अता उसको हुए फिर दोनों बाजू दस्त कुदरत से। निकाह उससे किया उस बादशाह ने अपनी बेटी का, मिला दोबारा शाहे रूम को खोया हुआ रुतबा। बहुत ही शानो शौकत से फिर अपने मुल्क वो लौटा, मगर उसकी जुबा पर कलमा ये हर वक्त रहता था, तू ही कादिर है मौला, तू ही कादिर है मौला, रंज दे या के मुसरत दे, तू है मुख्तार जिसको चाहे इज्जत दे या जिल्लत दे, तू है मुख्तार जिसको चाहे इज्जत दे।